हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गए हैं। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज फॉर नेक्स्ट कैश फ्लो ऑफ 3 ईयर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज सॉरी आर एज फॉलो। तो यहाँ पे हम लोग को 3 साल के प्रोजेक्ट का प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है, जहाँ पे ईयर 1 का दे रखा हुआ है प्लस में ईयर 2 का दे रखा हुआ है प्लस में ईयर 3 का। तो तीनों ईयर का हम लोग को प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है प्लस में कैश फ्लो दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे कैश फ्लो हो गया, दूसरा प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर कैश फ्लो, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर कैश फ्लो, फिर प्रोबेबिलिटी। तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है सम्स में। आगे सम्स में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो निकालना है हम लोग को, एंड ऑल्सो कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एनपीवी भी निकालना है, क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड एनपीवी भी निकालना है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी निकालना है। तो हम लोग को दोनों ही चीज़ निकालना है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकालते थे, तो हम लोग जो कैश फ्लो होता था उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके निकालते थे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और एनपीवी कैसे निकालते थे, जो हम लोग का ईयर दे रखा था जैसे नॉर्मली दे रखा हुआ था उस बेसिस पे हम लोग क्या निकालते थे, यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोग एनपीवी निकालते थे तो एनपीवी के टाइम में कैश फ्लो लेते थे, बट यहाँ पे लेना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लेना है, और उसमें उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद और आउटफ्लो को माइनस करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये हो गया। और सम्स में आगे क्या बोल रहे हैं, यूजिंग द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ऑफ 10% डिस्काउंटेड। तो हम लोग को 10% डिस्काउंटेड यूज करना है। उसके बाद क्या बोला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 10,000। तो यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना लेना है, ये लेना है 10,000। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन 2 में क्या क्या दे रखा हुआ, तो सबसे पहले कैश फ्लो दे रखा हुआ है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। ये कितने ईयर तक का दे रखा हुआ, तो ईयर 1 का भी दे रखा हुआ है, ईयर 2 का भी दे रखा हुआ है, ईयर ईयर 3 का भी दे रखा हुआ है। तो ये हम लोग को कैश फ्लो के बारे में दे रखा हुआ, कैश इनफ्लो के बारे में, फिर दे रखा हुआ कैश आउटफ्लो, सम्स में कैश आउटफ्लो भी दे रखा हुआ है, और यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे रखा हुआ है, एट द रेट कितना परसेंट है, तो ये हम लोग का 10% दे रखा हुआ है। और इससे निकाले हम लोग को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो तीनों ईयर का निकालना है, प्लस में हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हम लोग को निकालना है जो एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। तो स्टेटमेंट बनाइए सबसे पहले, तीनों ईयर का दे रखा हो तो तीनों ईयर का हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे कैश फ्लो है, ईयर 1 का पहले लिखता हूँ, ईयर 1, फिर इसी तरह से ईयर 2, और यहाँ पे आ जाएगा ईयर 3। ये हो गया। अब ईयर 1 में हम लोग को सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, कैश फ्लो, जो कैश फ्लो कितना कितना दे रखा है, 2000, 4000, 6000, 8000, 2000, 4000, 6000 और 8000, ये हम लोग को ईयर में दे रखा हुआ है, कैश फ्लो में दे रखा हुआ है। फिर कैश फ्लो के बाद क्या दे रखा हुआ है, तो कैश फ्लो के बाद हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्यों बोल रहा हूँ, ये जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ वो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे हम लोग। ये कितना कितना दे रखा हुआ, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। और हमेशा याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है, तो ये होता है 1। अब ईयर 2 के लिए कैश फ्लो कितना दे रखा है, जो जो कैश फ्लो दे रखा हुआ है लिख दीजिए, 2468, ये तो सारे ही केस में 2468 है, तो ये लिख दीजिए यहाँ पे 2000, 4000, 6000 और यहाँ पे 8000। बस प्रोबेबिलिटी इसका डिफरेंट है, तो 0.2, 0.3, 0.4 और लास्ट में 0.1। तो 0.2, 0.3, 0.4 और लास्ट में कितना दे रखा है, 0.1, ये हम लोग का प्रोबेबिलिटी दे रखा हुआ है। अब ईयर 3 में इसी तरह से लिखते हैं, तो कैश फ्लो तो सेम ही हो जाएगा, 2000, 4000, 6000 और 8000। प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 0.3, 0.4 और दे रखा है 0.2 और 0.,, कितना दे रखा है, 0.1। तो देखिए कैश फ्लो है, प्रोबेबिलिटी है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग कैश फ्लो को किससे, तो प्रोबेबिलिटी से, तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और ये क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो चलिए मल्टीप्लाई करके निकालिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आता है,
ये समझने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सिंपल कर रहे हैं हम लोग कि कैश फ्लो को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करके कितना टोटल रहता है जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट में कीजिए आप लोग। तो 200, 800, 1800, 3200, 3200 प्लस 1800 प्लस 800 प्लस 200, तो 6000 हम लोग आ गया कैश। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ गया कितना, तो 6000 आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में सेकेंड वाला का देखते हैं, तो ये आ गया 400, ये आ गया 1200, ये आ गया हम लोग का 2400, और ये आ गया 800। 800 प्लस 2400 प्लस 1200 प्लस 400, तो ये कितना आ गया 4800। इसी तरह से थर्ड ईयर का देखें तो यहाँ पर 2000 इंटू 0.3, तो ये आ जाता है 4 × 1200, 4 × 4 = 1600, 6 × 2 = 1200 और 800। तो ये हम लोग आ जाता है 4200, 12 + 16 + 12 + 8, 600 कर दीजिए। ये कितना आ गया हम लोग का 4200। तो इस तरह से हम लोग का क्या आ गया, ईयर वन, ईयर टू और ईयर थ्री का कैश इनफ्लो या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जो भी बोलना है एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कैश इनफ्लो, जो हम लोग का क्या होता था कैपिटल बजटिंग का, इसको हम लोग क्या यहाँ पे कर दिए, तो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो या एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, जो भी आप लोग को बोलना है बोल सकते हो। बस कैश फ्लो में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो हम लोग का फर्स्ट पार्ट था आंसर का, वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग को नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना था। तो चलिए एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, वो तो सिंपल है ना। तो सबसे पहले ईयर आ गया, तो ईयर जीरो में कैश आउटफ्लो हो रहा है, जो कितने का कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो ये देख लीजिए कैश आउटफ्लो हम लोग को दे रखा हुआ है 10,000 का। यहाँ हम लोग को कैश आउटफ्लो कितने का, 10,000 का, और पीवी फैक्टर लेना है 10% से। तो यहाँ पे ईयर वन के बाद 2, 3, तो ईयर थ्री तक हो गया। फिर कैश फ्लो, तो कैश आउटफ्लो हो रहा है 10,000, फिर कैश इनफ्लो ईयर वन टू और थ्री में 6,000 करके हो रहा है ईयर वन में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और यहाँ पे ये आ रहा है 4800, और ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 4200। तो देखिए जैसे एनपीवी निकालते थे कैपिटल बजटिंग में, वैसे ही एनपीवी इधर भी निकालेंगे, बस डिफरेंस क्या रहेगा, तो वहां पे कैश फ्लो लेते थे, बट यहाँ कैश फ्लो ना लेकर के एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लेना है। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कैसे निकालते थे, तो कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। ये मैं आप लोग को बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग को लर्न हो जाएगा। तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट कितना परसेंट से, 10% से। तो यहाँ पे जीरो ईयर, ईयर के लिए कितना होता है, तो यहाँ पे 1 होता है, उसके बाद 0.909, 0.826, ये तो मुझे लर्न ही हो गया, 0.751, ये है ना, एक बार चेक भी कर लो, 1.751, देखिए लर्न हो गया मेरा मेरे को। उसके बाद जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसे हम लोग क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से। तो ये हम लोग का क्या जाएगा, डेट अमाउंट लिख देता हूँ, रुपीज में लिख दीजिए 10,000, और यहाँ पे 6,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.909 से, तो ये कितना आ गया 5454, उसके बाद 4800 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.826, तो ये कितना आ गया 3964.8, फिर 4200 को 0.751 से, तो ये आ गया 3154.2 प्लस 3964.8 प्लस 5454, तो ये हम लोग का कितना आ गया, माइनस 10,000 करेंगे तो 2573, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आ गया 2573। इस ये समझने में तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सिंपली एक्सपेक्टेड कैश इन्फ्लो निकाले, उसके बाद एक्सपेक्टेड कैश इन्फ्लो से हम लोग निकालिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नॉर्मली निकालते थे कैपिटल बजटिंग में उसी तरह से। तो ये हम लोग का हो गया सम्स। अब एक बार बुक में देख लीजिए किस तरह से दे रखा हुआ, दूसरा मेथड भी हम लोग मैं आपको बता दे रहा हूँ।
तो देखिए ईयर वन का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला, फिर सेकंड में भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला, थर्ड का भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाला। तो ईयर वन टू थ्री ये तीन ईयर का निकाला, यहाँ पे ईयर वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री। अब कैश आउटफ्लो तो हम लोग को सम्स में दे रखा था जो कितना था 10,000। तो देखिए एनपीवी जब भी हम लोग निकालते तो कैसे निकालते, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, इस तरह से हम लोग निकालते थे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से निकाला गया, बस जो कैश फ्लो लेते थे हम लोग उसको लिया है यहाँ पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। और मैं आप लोग को एक जो एग्जाम्पल दिया था कॉन्सेप्ट का वीडियो, जो सेकेंड वाली वीडियो था इस प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट मतलब बोल सकते हो या जो फोल्डर है उस फोल्डर में, तो इसमें किस तरह से रखा होता था, देखिए एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फिर 1+k^1 जो नॉर्मली आप लोग लिख सकते हो, जो हम लोग यहाँ पे इस टेबल में इस तरह से बनाए थे। ईयर हो गया, ईयर में यहाँ पे 0 फिर 1, 2, 3, उसके बाद यहाँ लिखे थे कैश फ्लो, कैश फ्लो में जो भी दे रखा होता कैश फ्लो 10,000, फिर 6,000, 4800, एक बार के लिए ऐसे लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे लिखे थे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हुआ था 0 के लिए 1, फिर 0.909, उसके बाद 0.826, फिर 0.751, और इसके बाद ये टोटल किए थे तो हम लोग का क्या आ गया था एक्सपेक्टेड नेट कैश, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये हम लोग का आ गया था। इस तरह से हम लोग टेबल में बनाए थे। अब इसी टेबल में हम लोग क्या किए, 6,000 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो लिखे थे ना, फिर 4800 को क्या 826 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही लिखे थे, बस यहाँ भी यही किया गया है। ये नीचे वाला देखिए, इस पॉइंट में देखिए, तो हम लोग तो इस तरह से ही किए थे ना, यहाँ पे जो आया था हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू जो भी आया था, बस इसी को एक और एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड किया, तो देखिए 0.909 हम लोग को कैसे आता था, तो 1/1.1 करने से, तो यहाँ पे 1/1 कितना 1.1, 6,000 तो 6,000 ही है, और इसे 1.1 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.1, तो ये आ जाएगा 0.909 जो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सेकेंड ईयर जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते थे, तो 1/1.1 इक्वल टू एक बार लगाते थे तो हम लोग का फर्स्ट ईयर का आता था, अगर सेकेंड बार इक्वल टू हम लोग प्रेस करते थे तो हम लोग का सेकेंड ईयर का आता था। यहाँ पे इसलिए पावर 2 हो गया, इसलिए पावर यहाँ पे 3 हो गया, और जो हम लोग का कैश फ्लो दे रखा हुआ था उस कैश फ्लो में जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो था वो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो यहाँ भी दे रखा हुआ है, बस डिफरेंस है, लिखने का डिफरेंस है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो ये टेबल के हिसाब से भी बना सकते हो, या अगर ऐसे लिखना है तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो। मैं आपको एग्जांपल में बता दिया था कि हाँ इस तरह से भी हम लोग कैश प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जैसे भी आप लोगों को करना है उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला बेस पे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो वन ईयर का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का, और यहाँ पे k^1, फिर k^2, k^3 नॉर्मली जो कर देते, जो हम लोग का बेसिकली जो ये हो गया पॉइंट वाला, इसी तरह से तो हम लोग करते थे। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ गया जो कैश इनफ्लो का आया, और यहाँ पे कैश इनफ्लो के प्रेजेंट वैल्यू में से आउटफ्लो माइनस किया तो 25773 जो हम लोग का आंसर भी आ गया है यहाँ पे, कहाँ आ गया, नीचे आ गया था 2573। तो आप लोग को जिस तरह से टेबल से बनाना टेबल से बनाइए, और इस तरह से बनाना तो इस तरह से जैसे भी बनाना होगा आप लोग बना सकते हो। चलिए एक बार मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, नहीं स्पेस नहीं है, आप लोग यहीं से बुक से ही देख लीजिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वेरिएंस।